हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5C अवयवों का गुणन, अभी तक हमने अवयवों का जोड़, योग और अवयवों का अंतर ये पढ़ा है। आज हम अवयवों का गुणन यानी कि गुणा पढ़ेंगे। और अवयवों के गुणा के अंदर ये याद रखना है कि जब गुणा करते हैं तो पहले अवयव के जो कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं, वो दूसरे अवयव के पंक्तियों के बराबर होना चाहिए, तभी गुणन संभव है, अन्यथा गुणन नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियां आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुणा संभव है। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हम सरलता से चालू करते हैं, कठिन की ओर देखेंगे कि ए एक हमारे पास में 3, मान लेते हैं कि 3-1 4 है, एक मैट्रिक्स है 3-1 4, और बी एक दूसरी मैट्रिक्स है और वो इस प्रकार से है, और बी बराबर एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है और वो है हमारे पास में -2 6 और 3, -2 6 3, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारे पास में 1 2 3 कॉलम है, स्तंभ है, ठीक है, और यहाँ पंक्तियां हैं 1 2 3, ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे जो स्तंभ है और यहाँ जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या आपस में बराबर है, यानी कि इसमें पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं 3, और यहाँ पर पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 1। अब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो गुणा में a गुणा b 3-1 4 गुणा -2 6 3, ठीक है। और गुणा का नियम जो है ये है इस प्रकार से कि जो पंक्ति है उसका गुणा कॉलम से करना है, इस प्रकार से गुणा होते हैं। तो गुणा होगा पहले 3 का गुणा -2 से, तो 3 × -2, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस दूसरे वाले कॉलम से पंक्ति नंबर 2 -1 6, फिर तीसरे नंबर पे 4 × 3, ठीक है। अब यहां से हमने इसको सरल किया तो 3 × 6 6 कम 6 माइनस के प्लस 4 = 12, और यदि हमने इसको घटा देते हैं, जैसे 12 है ये माइनस के 6 है, तो -12 + 12 = 0, ठीक है। ये 0 मैट्रिक्स है तो ये 1/1 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है, ये आपकी 1/3 थी, ये 3/1 है, और इस प्रकार से हमें 1/1 की मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए 1/1 की तो मैट्रिक्स कैसे पता लगेगी कि इसमें कितने बाय कितने, इस दोनों का जो गुणन है उसकी मैट्रिक्स जो गुणनफल में प्राप्त होगा उनकी कोटि क्या होगी, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि जो इधर आने वाली जो पंक्ति है और लास्ट वाले में जो कॉलम है वो इसकी कोटि होगी, सभी मैट्रिक्स के गुणन में इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक प्रश्न, एक आपको ये थोड़ा सरल प्रश्न था, सरलता से हमने शुरू करिए जिससे कि हम आसानी से गुणाओं को समझ सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 2, इसी का इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और वो है इस प्रकार से ए और बी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं, ए बी का गुणन करना है, मैं संख्या लिख लेता हूं, ए मैट्रिक्स आपकी 0 1 1 0 0 और बी की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स आपकी इस प्रकार से 0 1 2 और 2 1 0 2 1 0, ठीक है।
यहाँ आप देख रहे हैं ये 3/2, तीन पंक्ति है, दो कॉलम है। यहाँ आप देखेंगे दो पंक्ति है, तीन कॉलम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये है आपकी 2/3, है ना। तो देखना स्तंभों की संख्या दो है और यहाँ पंक्तियों की संख्या दो है, समान है, इसलिए यहाँ इन दोनों का गुणन संभव है, ठीक है। अब हम गुणा करते हैं। गुणा में सबसे पहले याद रखना है कि पंक्ति कॉलम, इसी तरह से पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, फिर नंबर दो से चलोगे, फिर नंबर तीन से चलोगे, और सेम प्रोसीजर हम करते रहे। सबसे पहले जीरो जीरो से जीरो इंटू जीरो प्लस 1/2 से 1/2 से 1 इंटू, ये हो गया ये पहले वन। अब इसी तरह से इसी का हम इसमें करेंगे दूसरे में, 0/1 से 1/1 से प्लस करके 1/1 से, ये हो गया दो। इसी का फिर इससे 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, ये हो गया, ये पहले में हुआ। आप इसी तरह से दूसरी पंक्ति लेंगे और इन तीनों में करेंगे, तो 1/1 में प्लस 0/1 में, ये हो गया। अब इसी तरह से यहां पे आगे बढ़ते हुए नहीं, फिर से 1/0 में प्लस 0/2 में, कॉलम सब वही रहेंगे लेकिन पंक्तियां बदलेंगे, ओके। 1/1 में प्लस 0/1 में, फिर इधर 1/2 में प्लस 0/0, इस प्रकार से दूसरा हो गया। अब तीसरी पंक्ति और ये कॉलम सभी 0/0 से 1/2 से 0/0 से प्लस 1/2 से, इस प्रकार से फिर आगे बढ़े 0/1 से प्लस 1/1 से, फिर इधर 0/2 से प्लस 1/0 से, ये गुणा करके ऐसे ही गुणा होगा। अब देखिए इसको थोड़ा हल करते हैं तो आपको पता पड़ेगा, 0/0 में 2 1 2 यानी कि 2 आएंगे, इसी तरह से 0 ये भी 0 ये 0 हो जाएगा, 0+0 0, ये भी 0 ये 2, तो 0 में 2 जुड़ेंगे तो कितना आएंगे 2, ये पूरा। इसी तरह से यहाँ 1 0 हो गया, ये 1 ये 1 है, ये 1 और ये 0 हो गया तो ये भी 1 आया, ये 0 ये 1 ये भी 1 आया, तीसरे ये 0 ये भी 0 यहाँ पे 0 हो गया, ये 2+0 तो 2 बचेंगे, 0 0 ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स आपकी तीन पंक्ति है, तीन कॉलम है, 3/3 की एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रही है, याद रख लीजिए 3/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे सभी कॉलम लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे सभी कॉलम लेंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे सभी कॉलम लेंगे, इस प्रकार से ये गुणा करते जाएंगे और जितने अवयव उसके हिसाब से प्लस होंगे और आंसर आएगा। ये है हमारा गुणा अवयव का गुण, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ जाएगा और उसके पहले वाले क्वेश्चन भी अच्छे से, मतलब गुणा ऐसे करना है समझ में अच्छे से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है a बराबर 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1
माइनस वन, दोबारा में थ्री सिक्स माइनस थ्री, थ्री सिक्स माइनस थ्री, ये थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है। तो हमें इसमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर ए गुणा ए, ए गुणा ए, तो बराबर वन वन थ्री टू टू सिक्स माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री गुणा ये यही वापस से वन वन थ्री टू टू सिक्स माइनस वन माइनस वन माइनस, ये भी थ्री बाय थ्री की है और ये भी थ्री बाय थ्री की है। गुणा करना है वैसे कि वैसे ही करना है, पहली पंक्ति लेना है बारी बारी से कॉलम लेना है, दूसरी पंक्ति लेना है बारी बारी से कॉलम लेना है, तीसरी पंक्ति लेना है बारी बारी से कॉलम लेना है। सवाल बड़ा है, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, उसके बाद में आप कर सकते हैं। पहले देखना वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस, ये पहला। इसी तरह से दूसरे नाइन वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे यही पंक्ति लेकिन कॉलम ये होता है, ठीक है। वन इंटू थ्री प्लस वन इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, ये ऐसे ही हम दूसरे के लिए करेंगे, दूसरी पंक्ति और कॉलम वन बाय वन, ठीक है। टू इंटू वन प्लस टू इंटू टू, टू इंटू टू प्लस सिक्स इंटू माइनस वन, ये ओके हो गया। अब दूसरे टू इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस माइनस वन मीन्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है। फिर से टू इंटू वन टू इंटू टू प्लस सिक्स इंटू माइनस वन, सॉरी सिक्स इंटू माइनस वन। अब तीसरे में टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू सिक्स, पंक्ति दूसरी ही चल रही है, सिक्स इंटू माइनस थ्री, सिक्स इंटू माइनस थ्री। अब तीसरी पंक्ति लेके तीनों कॉलम देंगे, माइनस वन गुणित वन प्लस माइनस वन गुणित दो प्लस माइनस थ्री गुणित माइनस वन, ये इस प्रकार। फिर आगे बढ़े दूसरे नंबर पे, माइनस वन वन माइनस वन इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन। अब तीसरे नंबर माइनस वन थ्री माइनस वन इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू सिक्स माइनस वन इंटू सिक्स प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक। अब गुणा करना है जोड़ करनी है, गुणा करना है जोड़ करनी है, गुणा करना है जोड़ करनी है, ठीक है। ये आपको कर लेना है और एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी इसकी, और वो मैट्रिक्स इस प्रकार से प्राप्त होगी जीरो 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 जीरो, ये इस प्रकार की थ्री बाय थ्री की एक मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी।
ये इसे ठीक है, इसको हल करोगे जैसे वन टू, ये वन है, ये टू प्लस के हैं, टू वन थ्री हो जाएंगे, ये माइनस के थ्री होंगे तो ये जीरो, ये वन होगा, ये टू हो गए तो टू वन थ्री होंगे, ये माइनस के थ्री होंगे जीरो हो जाएगा, ये थ्री होंगे, ये सिक्स होंगे, सिक्स थ्री नाइन हो जाएंगे, और ये माइनस के नाइन होंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों को हल करोगे तो इस प्रकार की एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, इसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं हम, और वो भी थ्री बाई थ्री की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करा है हमने, तो आप क्वेश्चन नंबर फाइव भी कर सकते हैं सर। ठीक है, सिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हमने हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेवन, ये आपको करना है, ये भी ज्ञात करना है, सेम सिस्टम है, सेम तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट इस प्रकार से है, जैसे ए और बी हमें दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर एट, ए इंटू बी, इसमें भी गुणा याद करना है, गुणा ही करना है, और मैट्रिक्स आपको दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा का गुणा करना है बी वाली मैट्रिक्स से, और वो है कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा, और उसके बाद में कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, ये दो पंक्ति दो कॉलम, दो पंक्ति दो कॉलम, यानी कि टू बाय टू की दो आपको मैट्रिक्स का गुणा करना है, लेकिन त्रिकोणमिति रूप से आपको दे रखा है। गुणा करने का तरीका वही है जो अभी हमने सीखा है, पहले पंक्ति लेंगे बारी बारी से कॉलम लेंगे, पंक्ति लेंगे दूसरी बारी बारी से कॉलम लेंगे। ठीक है, कॉस अल्फा ये पंक्ति ये कॉलम, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा, ये हो गया। अब दूसरे दूसरी पंक्ति सब कॉलम में साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, एक पंक्ति से, अभी पहली पंक्ति का मान ही बाकी है, पहली पंक्ति का ही मान अभी बाकी है, हम दूसरी पंक्ति में चले गए थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो एक कॉलम से हुआ। अब इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से भी करना, कॉस अल्फा साइन बीटा में तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरा, दूसरे में देखें, अब दूसरी पंक्ति कॉलम वही फर्स्ट और सेकंड, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया। अब इसी पंक्ति का अब वापस से हम मान करेंगे इसके अंदर, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये गुणा हो गया। अब इसको हम जमा लेते हैं, उसके बाद में फार्मूला लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी तरह से इसमें भी जमा लेते हैं माइनस दोनों में, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास में इस प्रकार से जमेगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो इस प्रकार से आपकी एक मैट्रिक्स बन गई, अवयव सदस्य बन गए इसका। अब यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा,
यहाँ पे माइनस सिर्फ इसी में है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि माइनस में है तो प्लस वाला पहले आ जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब हम इसमें क्या कर देंगे, फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूले में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इसका मान क्या होगा। अब कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसका मान हो जाएगा आपका माइनस तो नहीं रहेगा लेकिन ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वो के वही वापस से आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में वापस से साइन अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास में सूत्र बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। और ये आपकी 2x2 की एक मैट्रिक्स, वन दो पंक्ति और दो कॉलम, ये आंसर हो जाएगा।